बोकारो में लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। एक तरफ काला झंडा दिख रहा है तो दूसरी ओर फरसा लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता खदेड़ते नजर आए। एक बार फिर महागठबंधन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ने से बाल बाल बचे। धनबाद लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी को बोकारो में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन आवास के समीप कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहरी प्रत्याशी खड़ा करने को लेकर जमकर विरोध दर्ज कराया। एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए कृति आजाद को कार्यकर्ता का विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ता फरसा लेकर खदेड़ डाले, आपस में भिड़ने से बाल बाल बचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आज जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का आवास रंग क्षेत्र बनने से बाल बाल बचा। दरअसल नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान न सिर्फ उन्हें काला झंडा दिखाया बल्कि गंभीर आरोप लगाते हुए वापस जाओ का भी नारा दिया। आज कीर्ति आजाद शिबू सोरेन के बोकारो आवास में महागठबंधन के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के कई लोग वहां पहुंचकर काला झंडा दिखाया वापस जाने का नारा लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो पार्टी लोकल नेता को ही टिकट दे, नहीं तो पार्टी में अंत तक विरोध रहेगा। वहीं धनबाद लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कृति आजाद ने भाजपा पर भी कड़ा प्रहार किया। न्यूज़लेंस के लिए बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। और यहाँ का विकास माननीय चंद्रशेखर दुबे ही कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर लेन देन करके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और आरपीएन सिंह ने किसी लुधवा फुदवा को पैराशूट एक कैंडिडेट चुना है, जो कि गलत है। विधानसभा का ये विकास, ये थे लोकसभा का ये विकास नहीं कर सकते। यहाँ के बारे में बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, कुछ नहीं जानते। क्या मांग क्या आप लोग? मांग यही है कि ये वापस जाए और पूर्ण आलाकमान इनको माननीय चंद्रशेखर दुबे को धनबाद लोकसभा से टिकट। बोलिए, कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी अगर अनुशासन से हटकर कोई कार्यक्रम करेगा, किसी तरह का अनुशासनहीनता करेगा, कांग्रेस पार्टी उसको कड़ा से कड़ा कार्रवाई करते हुए तुरंत हम उस पर अनुशासन कार्रवाई करेंगे। धनबाद में जिस तरह से किया गया, निश्चित तौर पर संगठन का जो दिशा निर्देश होगा, मैं अपने प्रदेश सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष से इस पर बात करूंगा और संगठन को देखते हुए मैं यथाशीघ्र चाहूंगा कि उसको 6 साल के लिए निष्कासित करूं। तीन जगह पे 5 लोगों ने, वही 5 लोग थे, उन लोगों ने मुझे काला झंडा दिखाया। ठीक, आज आपने बताया कि 25 लोग यहाँ पर थे जिन्होंने कि मेरा विरोध किया। क्या 25 लोग मतलब पूरा धनबाद हो गया? मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 25 लोग लेकर आए, किन्हीं का निजी स्वार्थ है वो इस प्रकार से कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ। अगर वो करना ही चाहते हैं विरोध, तो मेरा विरोध करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो आ गया हूँ, मुझे तो यहाँ से टिकट मिल गया है। जिन लोगों ने दिया है उनका करें जाकर, मेरा विरोध करके क्या करेंगे? आखिर ये कौन लोग हैं जो आपको लगातार विरोध कर रहे हैं? हमको क्या उसे, हमको कोई लेना देना नहीं कोई। दी वेब वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है